ओके स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ के साइंस का हम चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर सिक्स है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हम इस चैप्टर का भी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पहले रीड आउट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रीड आउट करने के बाद हम उस पार्टिकुलर आंसर्स को पढ़ेंगे जो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के लॉन्ग में दिए गए हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फोर से लॉन्ग शुरू हो रहे हैं, उससे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज एन आयन, हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन द टर्म आइसोटोप एंड राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर सेवन है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन विद एग्जाम्पल्स। So, ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। मैं बता भी चुका हूँ कि हर चैप्टर का एंड वाला क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपने केमिकल फार्मूले लिखने हैं इन तमाम के। ये मैंने आप लोगों को पिछले दफा भी लिखवाए थे, अभी आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, इसमें मैं आप लोग को पूरा एलेबोरेट कर दूंगा। सो पहले ये दो क्वेश्चन पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। एक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक है व्हाट इज आयन एंड हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड। So let's take a start. Structure of an atom. Is there any particle smaller than atom? Sure, there is. Atoms are made up of even smaller particles called electrons, protons, and neutrons. The central part of the atom is called nucleus. Protons and neutrons are present in the nucleus. एटम का स्ट्रक्चर आते ही आपने क्या लिखना है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्गिर्द रिवॉल्विंग कर रहा होगा। तो ये तो आपने सबसे पहले लिखना है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। Its mass is extremely small. Electron nucleus के इर्गिर्द revolving करते हैं। Electron के ऊपर negative charge होता है और इसका mass extremely small है, काफी small mass रखता है ये। A proton has positive charge. The number of protons in an atom is equal to the number of electrons. Protons की तादाद और electrons की तादाद किसी भी neutral atom में equal होती है। मतलब एटम है, इसने अभी आयन नहीं बनाया, इसने अभी न किसी को इलेक्ट्रॉन दिया न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस तरह के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1837 टाइम्स ग्रेटर है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? हैवियर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये एटम के न्यूक्लियस में होगा। मतलब न्यूक्लियस में दो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास आपस में इक्वल होता है। मतलब जितना प्रोटॉन हैवी है उतना न्यूट्रॉन भी हैवी है। तो इस तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन आप लोगों का इसके साथ क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो यहाँ पे यही पैराग्राफ उसमें लिखना है और क्लियर हो जाता है। और अगर आप लोग डायग्राम बनाओ तो ज्यादा बेहतर है कि जैसे आपको एक एटम दिया है नियॉन, तो नियॉन में न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 10 होगी। अच्छा, न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से डिफरेंट हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक जैसी हो, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा सेम रहेगी। एक एडिशन क्वेश्चन भी आप लोग लाजमी याद कर ले कि why is atom neutral? Atom क्यों न्यूट्रल होता है, ठीक है।
All the electrons and protons in an atom have charges, but atom as a whole has no charge. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल है, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। सो इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट the positive charge of protons balances the total negative charge of electrons, because of it the atom is neutral. इस वजह से atom neutral होता है, इस वजह से atom क्या है? Neutral है, atom is neutral. इस next question iron का है, exercise का question number 5 है iron. An atom with a positive or negative charge is called an ion. एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको आयन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, Na+, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, कॉपर आयन एटसेट्रा। ठीक है, मतलब एक एटम है, उसने या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया या इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, तो इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उस चार्ज को आयन कहा जाता है। When an atom releases its one or more electrons from the outermost shell, the number of protons become more than that of electrons, so it will become a positive ion. Positive ion is also called cation. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, अच्छा आप लोगों को मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में सेम होती है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, प्रोटॉन की तो नहीं दे सकता ना, प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन भी कहते हैं। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसको एनायन भी कहते हैं। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड उस वक्त बनता है जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपसे पूछे कैटायन का एग्जांपल बताओ, तो आप लिख लेना सोडियम प्लस आयन इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयन या कैटायन, और क्लोरीन माइनस आयन इज द एग्जांपल ऑफ एनायन। लेकिन एक दफा पेपर में आया था वैलेंसी, हालांकि एक्सरसाइज में इसमें आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो भी पढ़ा लेता हूं ताकि वैलेंसी का भी टॉपिक आ जाए पेपर में, तो आप लोग क्लियर कर सको। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम। एक एटम अगर दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है तो उसको वैलेंसी कहा जाता है। Valency can also be defined as follows. Valency की दूसरी definition ये है, the number of electrons that an atom wants to lose, gain or share is called valency. एक atom कितने electron lose कर सकता है, कितने gain कर सकता है या कितने share कर सकता है, इसको भी valency कहा जाता है। For example, sodium atom loses one electron, so its valency is one. Fluorine atom gains one electron, so its valency is one. Hydrogen shares one electron, so its valency is one. Okay, बस यार एक example याद कर लेना बस। Sodium atom loses one electron, so its valency is one. तो यहाँ तक आप लोग valency का topic याद कर लें, ये भी काफी है, ठीक है? Valency भी मैंने पढ़ा ली आप लोगों को।